अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ साबित मसूर की दाल और खीमे की बिरयानी। बास लोग इसे पुलाव भी कहते हैं, यखनी के अंदर चावल डाल देते हैं तो वो पुलाव बन जाती है, लेकिन मैं अलहदा से चावल बॉयल करके बिरयानी बनाऊँगी। तो चले आए इसके इन्ग्रीडियंट्स देखते हैं। सबसे पहले हमने बिरयानी के चावल ले लिए आधा किलो, दो कप लिए हैं आधा किलो, इसे हमने पानी में भिगो दिया है। आधा पाव दाल ली है मैंने, साबित मसूर की दाल, इसे मैंने एक घंटा पानी में भिगोया, फिर आधी चमची नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया। एक पाव खीमा लिया है, आधा पाव दही ली है, आधी प्याली तेल लिया है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक बड़ी साइज की प्याज काट ली है मैंने, दो दरमियानी साइज के टमाटर कट कर लिए। अब मसाले देख लें, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून सूख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर। साबित गरम मसाले लिए हैं मैंने, आधे ये यखनी में डलेंगे और आधे जब चावलों का पानी बॉईल होगा तो उसमें डलेंगे। 4 तेज़ पत्ते लिए हैं हमने, बादियान का एक फूल लिया है, 10 से 12 काली मिर्ची, 6 लौंगे, 2 छोटी हरी वाली इलायची, 4 बड़ी इलायचियाँ, 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 3-4 स्टिकें ली है मैंने दालचीनी स्टिक। लिया है हमने, इसे वॉश करके चूल्हे पे रख दिया। अब ये गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे तेल आधी प्याली। अब इसमें हम डालेंगे साबित गरम मसाले। हल्की सी मसालों में से हमारे खुशबू आ रही है, अब हम प्याज डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस कच्चा पक्का करना है या लाइट सा गोल्डन कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। प्याज हमारी कच्ची पक्की सी हो गई है, लाइट सी गोल्डन हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन को भून के हम खीमा डालेंगे। खीमा डालने के बाद हम मसाले डालेंगे जो आपको दिखाया था।
और मसालों के साथ हम खीमे को तेज आंच पे थोड़ा भून लेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो खीमे का पानी निकला है ये सूख जाए। खीमे को तेज आंच पे हमने मसालों के साथ भून लिया है, अब हम डालेंगे टमाटर। और डालेंगे आधा पाव दही। टमाटर और दही के साथ इसको 5 मिनट भून लेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें आधा गिलास पानी डाल के छोड़ देंगे, ताकि हमारे टमाटर भी गल जाए, खीमा भी गल जाए। 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। आंच स्लो कर दें। चावलों के लिए हमने पानी चढ़ाया है, जो गरम मसाले साबित गरम मसाले हमने दिखाए थे ये डाल देंगे इसमें। थोड़ा पुदीना डालेंगे, और ये वाले चम्मच से छह चम्मच हम नमक डालेंगे। इसको ढाप देंगे, बॉईल होने के लिए रख देंगे। खीमा गल गया है हमारा, पानी सूख गया इसमें, टमाटर भी गल गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। दाल मिला के इसमें थोड़ा धनिया पुदीना डालेंगे। और 5 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे, फिर हमारी यखनी रेडी है। यखनी हमारी रेडी है, देखिए तेल ऊपर आ रहा है, नमक भी हमने चेक कर लिया, नमक भी बराबर है। चले हमारे चावलों का पानी हो जाए, फिर मिलते हैं। पानी बॉईल हो गया है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अब बस इसे एक दफा हिलाएंगे हम, फिर इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। चावलों का पानी हमने निथाल लिया है, एक तह चावलों की लगा दी है भगोने में। अब इस पे हम अपनी यखनी डालेंगे। बाकी चावल हम इस पे डालेंगे, पहले धनिया पुदीना डाल देंगे, थोड़ी प्याज डाल देंगे, ये तली भी रखी हुई थी मेरे पास प्याज।
ये बची हुई धनिया पुदीना हरी मिर्ची और थोड़ी सी प्याज, ये सब हम इस पे डाल देंगे और जर्दे का कलर भी डाल देंगे। अब 3-4 चमचे घी हम इसमें डालेंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा के चूल्हे पे रखेंगे। अच्छे से दम हो गई है। आप हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, देखें हमारी साबित मसूर और खीमे की बिरयानी रेडी है, जिसे हमने डिश आउट कर लिया है। आप लोग इसे घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसी बनी है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। फी अमानंद।